वेलकम बैक गाइस, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ एज लाइटिंग फीचर्स के बारे में। जैसे ही आपके मोबाइल फ़ोन में जो कोई भी नोटिफिकेशन आता है, अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है, एजेस में जो फ़ोन के साइडों में जो लाइटिंग बिलिंग होने लगती है, प्यारी लगती है, काफ़ी अच्छा लगता है, एनिमेशन टाइप का लगता है, तो ऐसे में उस फीचर को कैसे इनेबल करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे पास है रियलमी का 9 Pro Plus 5G, इस फ़ोन में कैसे इनेबल करना बताने वाला हूँ। रियलमी के सभी फ़ोन में ऑलमोस्ट इसी तरीके से जो एज लाइटिंग फीचर को आप इनेबल कर सकते हैं। और ऊपर आप ये दिख रहे हैं ना, ये नोज टाइप का दे रहे हैं ना जो बना हुआ कैमरे के पास, ये डायनेमिक आइलैंड का फीचर है जो कि आईफोन में इस वक्त लॉन्च हुआ है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ओवर हाइप हो रखा है। कैसे इसको इनेबल करना है, कैसे यूज़ करना है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियोज़ हमने बना रखी है, हमारे चैनल पर अपलोड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। मान लो अगर आपके फ़ोन के बीच में कैमरा है यहाँ पर, उस केस में आप इसको बीच में एडजस्ट कर पाएंगे और इसकी लेंथ और चौड़ाई आप बढ़ा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मर्जी यूज़ करना चाहें वैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ एज लाइटिंग फीचर्स के बारे में। आप देखो डायनेमिक आइलैंड से जाएंगे, इस पर क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ सीधा सेटिंग पर जाता हूँ, तो कुछ इतना इंटरफेस आएगा। सिंपल आपने जाना पर्सनलाइजेशन में, ओपन कर लेते हैं, देन कुछ इतना इंटरफेस आएगा। नीचे की तरफ जाएंगे हम एज लाइटिंग में जाएंगे, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन करते ही यहाँ पर जो साइडों में देखो इस तरह का यहाँ पर एनिमेशन टाइप का दिखा रहा है। जैसे मैं इस कलर पर चेंज करता हूँ, क्लिक करता हूँ कलर वाले सर्कल जो बने हुए इन पर क्लिक करने पर, सो अब रेड वाले पे करूँगा तो किस तरह का आएगा, और ये ऑरेंज टाइप का इस पे करता हूँ तो इस तरह का। जैसे ही आपकी फ़ोन की डिस्प्ले ऑन ऑफ होगी, उस केस में क्या होगा, जैसे ही कोई मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है, उस केस में जो साइडों में लाइट इस तरह से ब्लिंक होती है हल्की फुल्की, तो वो काफ़ी प्यारी लगती है। बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं होती बट अच्छी दिखती है, फ़ोन की डिस्प्ले ऑफ होने पर बहुत प्यारा फीचर है। ऐसे में यहाँ से तो ये बंद रहता है, ऐसे में आप जो मर्जी चूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत प्यारा लगता है लिटरली। तो मुझे यहाँ पर जो ये वाला कलर बहुत सही लगता है, ब्लू वाला, तो ब्लू वाला चूज़ मैंने यहाँ पर कर लिया। इस तरह से जो आप एज लाइटनिंग वाले फीचर को यूज़ कर पाएंगे अपने फ़ोन में, रियलमी के किसी भी फ़ोन में, जो कि काफ़ी ज़्यादा फीचर है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक और शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, और अपने उन दोस्तों के साथ भी कर देना जो डायनेमिक आइलैंड वाले फीचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए हैं इस तरह से जो एंड्रॉयड के फ़ोन में भी जो वो डायनेमिक आइलैंड वाले फीचर को यूज़ कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक, शेयर जो से कर देना दोस्तों। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।